नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड में सिंगल यूज प्लास्टिक पर रोक लगाने की तैयारी की जा रही है। राज्य में 1 जुलाई से प्लास्टिक पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। सिंगल यूज प्लास्टिक के साथ ही थर्माकोल के इस्तेमाल पर भी पाबंदी लगाई जाएगी। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के इस निर्देश पर अमल करते हुए झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इस बाबत नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसकी पुष्टि प्रदूषण बोर्ड के सदस्य सचिव वाईके दास ने की है। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें इसके उत्पादन, भंडारण, वितरण और इस्तेमाल पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है। 1 जुलाई तक की समय सीमा इसीलिए निर्धारित की गई है ताकि इससे जुड़े सभी पक्ष अपने स्टॉक को खत्म कर दें। बता दें कि प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम स्टिक, थर्माकोल, प्लास्टिक स्किट वाले ईयरबड, गुब्बारे में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक आदि को सख्त पाबंदी के दायरे में लाया जाएगा। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज़।